जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक सोलन के निदेशक पद को लेकर चुनाव चिन्ह दे दिए गए हैं। 15 सितंबर को ये चुनाव सुबह आरंभ हो जाएंगे और शाम को इसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिला सोलन में 5 जोनों के लिए चुनाव आयोजित होंगे, जिसमें कंडाघाट सोलन, अर्की धर्मपुर और नालागढ़ शामिल है। सभी जोन से एक एक और नालागढ़ से 2 निदेशकों को चुना जाएगा। कुछ को सरकार मनोनीत करेगी, फिर सभी मिलकर चेयरमैन का चुनाव करेंगे। सोलन से 3 सदस्यों ने नामांकन भरा है, जो भाजपा के विनोद ठाकुर, कांग्रेस के मोहन मेहता और कांग्रेस के बागी मेहता रघुबिंद्र हैं। तीनों ने चुनावी बिसात बिछानी आरंभ कर दी है। सोलन जोन में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें 58 मतदाता इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। अधिक जानकारी देते हुए बैंक के प्रबंधक एलडी शर्मा ने बताया कि तीनों उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए गए हैं। 15 तारीख को सुबह चुनाव आरंभ हो जाएंगे और 4 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी और 5 बजे इसका परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विनोद ठाकुर को खाट, रघुबिंदर मेहता को डमरू और मोहन मेहता को पायलट पेन का सिंबल जारी किया गया है। ये जो हमारे बैंक के चुनाव है, ये रजिस्ट्रार सहकारी सभाओं के अनुमोदन के अनुसार 15 सितंबर 2020 को ये चुनाव होंगे, जिसका समय सवेरे 10 बजे से 5 बजे तक वोटिंग का होगा। 4 बजे के बाद जो है वो रिजल्ट घोषित किया जाएगा। हमारे ब्लॉक सोलन जोन नंबर 5 से 3 उम्मीदवारों ने जो है वो नामांकन भरा है, जिसमें से श्री बुद्धराम जी उर्फ विनोद कुमार जी है, श्री मोहन मेहता जी है और मेहता रघुविंदर सिंह जी है। इन 3 आदमियों ने जो है वो नामांकन भरा है। और सर, क्या चुनावी सिंबल रहेंगे और साथ ही साथ हाँ, क्या वह घोषित कर दिए गए हैं? आज अंतिम तिथि थी चुनाव सिंबल घोषित करने की, जिनमें हमने जो है वो सिंबल इनको जो है घोषित कर दिए हैं। श्री बुद्धराम ठाकुर जी को जो है हमने खाट